जो हमारा ये टॉपिक आपको दिख रहा है, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड को हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरीके कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने, अगर आपको याद है, ठीक है ना, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब होता है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर कर रहा था, ठीक है ना, उसका क्या मतलब था कि हमारे पास इस तरीके से अगर कोई एसी वेव थी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हुआ था कि इसने सिंपल इस तरीके से जो है, सॉरी, उसने क्या किया था कि सिंपली हाफ वेव में ये आधी आधी वेव ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव हमें दे दी थी और जो नेगेटिव वाली थी वो हटा दी थी। ये काम किसने किया था? ये तब हुआ था जब हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब जब केवल एक ही डायोड यूज किया था। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम केवल एक पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, ये चीज हमने आपको समझाई थी। तो वन पीएन जंक्शन डायोड अगर यूज हुआ है तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो हमारे जो पॉजिटिव वाली पल्स हैं वो रेक्टिफाई हो गई और नेगेटिव वाली पल्स थी वो रिमूव हो गई, हट गई। अब यहाँ पर हमें फुल वेव रेक्टिफायर देखना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले डायग्राम, डायग्राम पे फोकस करेंगे। आप देखिए डायग्राम में ये हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है दैट इज योर प्राइमरी कॉइल। इसका क्या नाम था? प्राइमरी क्वाइल। और ये जो आपके पास क्वाइल दिख रही है, ये वाली जो क्वाइल है, ये हमारी कौन सी क्वाइल है? ये है सेकेंडरी क्वाइल, ठीक, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने आपको हाफ में बताया था। इसके बीच में यहां पर आपकी क्या थी? ये ट्रांसफार्मर कोर, दैट इज द ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर की कोर थी, ठीक। ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो कैसा था? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, जिसका काम हमने आपको बता दिया था कि ये क्या करता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट की सप्लाई को केवल 12 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि हम जो है हाफ वेव, सॉरी एसी वेव हम यहाँ पर इनपुट करने वाले हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमारी क्या है? ये है एसी इनपुट। कहाँ पे लगेगा? इस जगह पर, यहाँ पर, ये देखिए एसी वेव को हमने इनपुट करा दिया। तो फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, जो पहली पॉजिटिव हाफ है उसके लिए अगर हम बात करें, तो पॉजिटिव हाफ पहली कौन सी है? यहाँ पर अगर हम डायग्राम में आपको दिखाएं तो ये वाली जो आपको दिख रही है, ये आपकी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ है, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, ये वाली। तो इसके लिए अगर हम देखें तो आपको पता है हमने इस टर्मिनल का क्या नाम दिया था? ए। इसके अपोजिट ये टर्मिनल था बी, यहाँ पे टर्मिनल हो गया सी और यहाँ पे डी। या कल वाली नेमिंग ले लेते हैं, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो नेमिंग ली थी वही ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेमिंग हम वही लेते हैं, पुरानी वाली। तो यहाँ पर इसको हमने लिया था पी, इसको लिया था क्यू, इसको लिया था आर और ये था एस, ठीक। अब उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ, ये जो पहली हाफ है केवल इसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो पी टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा और Q टर्मिनल नेगेटिव होगा, ठीक है। अब चूंकि P टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है तो इंडक्शन की वजह से R टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और Q में इंडक्शन की वजह से S हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है S, ये डायोड D1 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब डायोड D1 हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस में, ठीक है।
डायोड D1 किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। और यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव जुड़ा हुआ है डायोड D2 से, तो नेगेटिव जुड़ गया, इसका मतलब डायोड D2 किस में हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस में। हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस में वर्क होता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं होता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो डायोड D1 है वो वर्क करेगा। तो D1 में देखिए, D1 में ध्यान से देखिए कौन सी पल्स आ रही है, पॉजिटिव पल्स आ रही है। इसका मतलब पॉजिटिव पल्स हमको इस तरीके से मिल जाएगी, लेकिन किससे मिलेगी, डायोड D1 से मिल जाएगी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को किसी प्रकार की। एक बार फिर से पूरी चीज को हम समझाते हैं, वंस अगेन फिर से समझेंगे। एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा फिर से समझेंगे। हमने क्या किया कि एक एसी वेव बना दी, ये हमारी एसी वेव है, इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। सबसे पहले हम ये जो आधी पल्स आपको दिखाई दे रही है, हाफ पॉजिटिव पल्स, ये वाली हम केवल इसके लिए बात कर रहे हैं। हमने इसको हमने नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, इसको नाम दिया R और इसको नाम दिया S। ठीक, पॉजिटिव पल्स के लिए हम देख रहे हैं। जब हमने ये वाली जो पल्स थी, जब ये पल्स हमने लगा दी प्राइमरी कॉइल में, तो P पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव पल्स लगाई तो P पॉजिटिव हो गया। P पॉजिटिव होते ही Q ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, यानी कि इस कॉइल से इस कॉइल में, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव जब यहां पहुंचेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव जब यहां पहुंचेगा एस में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी समझते हैं। इसके आगे कहानी क्या है कि ये जो पॉजिटिव है वो पहुंचा डायोड D1 में, और ये जो नेगेटिव है वो पहुंचा डायोड D2 में। ठीक, जब पॉजिटिव पहुंचा डायोड D1 में तो डायोड D1 हो गया फॉरवर्ड बायस में, और जब नेगेटिव पहुंचा डायोड D2 में तो डायोड D2 हो गया रिवर्स बायस में। ठीक, फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में वर्क कौन कर रहा है, डायोड D1, और डायोड D1 में क्या पहुंच रहा है, पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव पहुंच रहा है, इसका मतलब यहां से जो आउटपुट आपको दिख रहा है, इस आउटपुट में आपको पॉजिटिव मिलेगा, वो मिलेगा D1 से। पॉजिटिव क्यों मिला, क्योंकि एस पे पॉजिटिव है, और D1 पे क्यों, D1 से क्यों मिला, क्योंकि D1 ही फॉरवर्ड बायस में है, ये बात है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। इसके आगे यानी कि जो हमारा एसी इनपुट था, हमने पॉजिटिव हाफ की कहानी जान ली, अब हम जानने वाले हैं नेगेटिव हाफ की कहानी, यानी कि इसकी कहानी, ये जो नेगेटिव हाफ है, अब इस नेगेटिव हाफ को हम लगाने जा रहे हैं इनपुट में। ठीक, फिर से वही, ये टर्मिनल P था, ये टर्मिनल Q था, ये टर्मिनल R था और ये टर्मिनल S था। तो जैसे ही आपने ये नेगेटिव हाफ जैसे ही आपने इनपुट दिया तो P हो गया नेगेटिव, और जैसे ही P नेगेटिव हुआ तो Q हो गया पॉजिटिव। ठीक, अब म्यूचुअल इंडक्शन का काम स्टार्ट हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये P पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था तो R पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था तो ये हो गया S पर नेगेटिव। ठीक, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव पहुंचा डायोड D1 में, और ये पॉजिटिव पहुंचा डायोड D2 में। ठीक है, क्योंकि डायोड D2 में पॉजिटिव पहुंच रहा है तो डायोड D2 हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस में, लेकिन जो डायोड D1 है उसमें नेगेटिव पहुंच रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में वर्क नहीं होता है, फॉरवर्ड बायस में वर्क होता है, इसलिए हमें जो आउटपुट मिलेगा यहां से वो कौन सा मिलेगा, हमें डायोड D2 से मिलेगा, यानी कि डायोड D2 से हमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा, और डायोड D2 से। ठीक, देखिए डायोड D2 में क्या लगा है, पॉजिटिव तो लगा है, तो डायोड D2 में से हमें पॉजिटिव, यानी कि डायोड D2 से हमको
पॉजिटिव मिलेगा। इससे पहले जो हमें पॉजिटिव मिला था वो डायोड D1 से मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हम जब इसको वेव को हम अगर कंप्लीट करते जाएंगे, इस तरीके से हम इस वेव को अगर कंप्लीट कर लें, मान लेते हैं ये इस तरीके से वेव है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो उसी ऑर्डर में यहाँ पर जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है ये भी हमें इस तरीके से लगातार मिलता जाएगा। एक बार D1 से पॉजिटिव, एक बार D2 से पॉजिटिव, एक बार D1 से पॉजिटिव, एक बार D2 से पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा और समझा कि कैसे एक बार D1 पॉजिटिव पल्स को भेजता है और एक बार D2 पॉजिटिव पल्स को भेजता है, यानी कि पॉजिटिव पल्स और निगेटिव पल्स दोनों ही पॉजिटिव होकर के एक बार D1 से और एक बार D2 से निकलती हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारी ये फुल वेव रेक्टिफाई हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल एक एक स्टेप और एक एक जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अगला टारगेट है वो है ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। तो ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस का मतलब क्या है पहले उसको जान लीजिए कि ऑप्टो, ऑप्टो मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट, यानी कि कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जंक्शन डायोड, यानी कि एक ऐसे जंग कुछ ऐसे जंक्शन डायोड जो लाइट के फीचर्स पर वर्क करते हैं, यानी कि या तो लाइट आएगी तो वो करंट डेवलप कर देंगे, या तो करंट आएगा वो लाइट डेवलप कर देंगे, यानी कि लाइट और करंट से रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के जंक्शंस हैं, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो कि जिनमें लाइट का फिनोमेना शामिल रहता है, ऑप्टिक्स का फिनोमेना शामिल रहता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, ठीक। यानी कि हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डायोड है, कोई ऐसा जंक्शन डायोड है जिसमें लाइट को अगर हम गिराएं और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, ठीक है, यानी कि करंट मिल जाए, या हम इलेक्ट्रिसिटी को जो है उस पे इनपुट कराएं और हमको लाइट मिल जाए, तो इस तरीके की जो भी हमारे पीएन जंक्शन डायोड होंगे, जो भी डिवाइसेस होंगी, वो सभी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसेस कहलाएंगी। तो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन जो समझ में आई होगी। अब डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं मैंने यहाँ लिख रखी हैं। पहला हमारे पास है फोटो डायोड्स, फर्स्ट है फोटो डायोड्स। तो फोटो डायोड्स का काम क्या है, इसका काम है डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स, यानी कि जो भी ऑप्टिकल सिग्नल यानी कि लाइट के जो सिग्नल्स होते हैं, जो लाइट वेव्स जो है सिग्नल भेजती हैं, उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का काम, इसीलिए इसको फोटो डिटेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि लाइट के सिग्नल को तुरंत पकड़ लेता है, तुरंत कैच कर लेता है, और ये होता है हमारा फोटो डायोड। दूसरा है लाइट एमिटिंग डायोड, इसको शॉर्ट में LED लिखा जाता है। ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर दी LED में, ठीक है, आप सब लोगों ने देखा LED तो लगभग सभी ने यूज किए हैं। इस तरीके की LED होती है, इसकी दो टांग होती है ना, दो लेग्स आप कह सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, पॉजिटिव वाली लेग थोड़ी सी इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइट निकलती है, जैसे ही आप करंट देते हैं तो लाइट जलती है, ये क्या है LED है। तो LED में हमने क्या किया, करंट दिया और लाइट हमको मिल गई, तो ये है हमारी LED। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फोटोवोल्टेनिक डिवाइसेस विच कन्वर्ट्स ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी लाइक सोलर सेल। तो फोटोवोल्टेनिक डिवाइसेस, फोटोवोल्टेनिक डिवाइसेस यानी कि फोटो वोल्ट, यानी कि आप लाइट डालिए और वोल्टेज लीजिए, तो लाइट डालते ही हमें वोल्टेज मिले, EMF मिले, तो इसका एग्जांपल क्या है, सोलर सेल। यानी कि सोलर सेल में आपने देखा होगा छतों पर सोलर सेल लगा होता है, उस पर धूप पड़ती है, जैसे ही उसमें रेडिएशन आया सन का, वैसे ही हमें करंट मिलनी
स्टार्ट हो जाती है। तो इसे बोलते हैं फोटोवोल्टेनिक, फोटो डालिए वोल्टेज लीजिए, फोटोवोल्टेनिक। तो ये सारी की सारी डिवाइसेस हमारी जो हैं ये कहलाती हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जंक्शन डिवाइसेस। तो ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था जो हमने आपको यहाँ पर समझाया कि बेसिक चीज जो है वो क्या है कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी डिवाइस जिसमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। लाइट हो तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो तो लाइट मिल जाए, तो वो सब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में होंगी, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और सोलर सेल। बेसिकली ये तीन है जो हमको बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम इनको आपको समझाएंगे कि भाई कैसे जो है हमारे ये डिवाइसेस वर्क करती हैं, कैसे इनमें काम किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई। फोटो डायोड क्या है? फोटो डायोड, फोटो डायोड कब काम करता है, कैसे काम करता है, यानी कि जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो फोटो डायोड कैसे बनाया जाता है? फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब क्या होता है, कैसे बनाया गया? तो इसको बनाया जाता है विद ए ट्रांसपेरेंट विंडो, एक ट्रांसपेरेंट विंडो से। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारी ट्रांसपेरेंट विंडो। इस ट्रांसपेरेंट विंडो पर क्या होता है, लाइट फॉल्स ऑन द डायोड, यानी कि ये जो आपको एच न्यू यानी कि रेडिएशन दिख रहा है, वो रेडिएशन आता है और इस तरीके से इस विंडो पर फॉल हो जाता है। तो फोटो डायोड बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ट्रांसपेरेंट विंडो लगी होती है, जिसके सहारे से जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो आपका आता है और जंक्शन पे फॉल होता है। क्योंकि यही तो है, आपको याद है इसको हमने क्या बोला था, डिप्लीशन लेयर, इसका नाम हमने दिया था डिप्लीशन लेयर, यानी कि लाइट आएगी और जहां पर डिप्लीशन लेयर है वहां पर लाइट फॉल हो जाएगी। पहली चीज ये आपको यहाँ पर समझनी थी। दूसरी बात क्या है फोटोडायोड की, कि इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस, यानी कि ये हमेशा रिवर्स बायस में ही वर्क करता है। आप देख सकते हैं जो पी टाइप है, पी को जोड़ा गया नेगेटिव से और एन को जोड़ दिया गया पॉजिटिव से। तो पी जुड़ गया नेगेटिव से और एन जुड़ गया पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो फोटोडायोड जब बनाया गया तो इस तरीके से बनाया गया कि उसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो हो ग्लास की बनी हुई, जिससे लाइट गिरे। कहाँ पे गिरे? लाइट गिरे डिप्लीशन लेयर के ऊपर, जंक्शन के ऊपर, जहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। और वर्क कैसे करेगा, जब हम इसको रिवर्स बायस में जोड़ देंगे। रिवर्स बायस में जोड़ने का मतलब, हमने ये जो है पी को नेगेटिव से और जो एन था उसको पॉजिटिव साइड से जोड़ दिया। ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, एंड आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई हो, ठीक है भैया। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं कि इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे क्लियर लिखा हुआ है कि व्हेन द फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट, यानी कि फोटॉन्स विद हाई एनर्जी, यानी कि ये जो फोटॉन्स इस पे फॉल हो रहे हैं, ये जो फोटोन आपको आते हुए ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनकी एनर्जी E इक्वल एच न्यू है। अगर ये एनर्जी जो है वो हाई है, यानी कि ज्यादा एनर्जी है, किससे ज्यादा है? एनर्जी है एनर्जी गैप से। अब यहाँ पर एनर्जी गैप किसका? तो हमने आपको बताया था कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड में जाहिर सी बात है एक जंक्शन बना है। जंक्शन का मतलब एक डिप्लीशन लेयर बनी है और उस डिप्लीशन लेयर का अपना एक पोटेंशियल है, जिसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये पोटेंशियल बैरियर, चूंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है, वी इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, याद है? तो डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू पोटेंशियल बैरियर,
ठीक है, ये जो वर्क है यही। अच्छा यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, यहाँ पर दोनों है, इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है, दोनों ही क्यू है। ठीक है, जो वर्क है यही तो एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है इसी को हम बोल रहे हैं एनर्जी गैप। ठीक है, तो जो एनर्जी यानी कि ये जो वर्क डन है, अगर इस वर्क डन की वैल्यू से ये जो एनर्जी इस पे गिर रही है वो ज्यादा है। ठीक, फिर से एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमने बताया कि यहां पर जो एनर्जी आ रही है यानी कि E इक्वल एच न्यू जो एनर्जी है, मान लेते हैं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सपोज हम मान रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है वो आ रहा है और टकरा रहा है। ये जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है, इस डिप्लीशन लेयर में जो पोटेंशियल बैरियर है, अगर हम पोटेंशियल बैरियर की बात करें तो पोटेंशियल बैरियर मान लेते हैं 10^5 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है। ठीक, अब 10^5 वोल्ट का अगर पोटेंशियल बैरियर है और हम वर्क निकालें तो वर्क हो जाएगा V इंटू क्यू। ठीक, तो V कितना हो गया 10^5, और Q, Q मान लेते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटो सॉरी इलेक्ट्रॉन और होल सब मिला करके ये हमारे पास कहीं ना कहीं हो रहे हैं जाके 10^ या 10 ई, चलिए मान लेते हैं 10 ई थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कि 10^6 ई। ये हम एक रफली आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना, ज्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे जो हम कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वर्क डन है वो 10^6 ई है और जो एनर्जी है वो 5 ई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको हम क्या ले सकते हैं 5, और इलेक्ट्रॉन की 1.6 10^-19, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया, और ये भी जूल में है। तो इसको हम ले सकते हैं 10^6 × 1.6 10^-19 तो ये आ गया 1.6 × 10^-13। ठीक, तो ये हो गया कि 8 × 10^-19 जूल। अब आप कंपेयर करिए इन दोनों में, तो आपको दिख रहा है ये वाली जो है 10^-19 में है, ये 10^-13 में है। तो ये जो W है ये क्या हो गया, यहाँ पर W इज ग्रेटर देन E, तो फिर फोटोडायोड काम नहीं करेगा। ठीक, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि W की वैल्यू लेस होनी चाहिए E की वैल्यू से। आई होप कि ये बात आपको समझ में जरूर आई हो, इसीलिए मैंने इसको दो बार और आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू रख करके हमने समझाया है। ओके, ठीक अब अगर एक बार डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी कि आपने क्या किया कि जो E की वैल्यू थी और जो यहां पर W की वैल्यू थी, आपने E की वैल्यू को W की वैल्यू से क्या किया, ज्यादा कर लिया। तो जब E की वैल्यू W की वैल्यू से ज्यादा हो गई तो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, और एक बात जो यहां पर दी गई है खास बात, वो क्या है कि द डायोड इज फैब्रिकेटेड सच दैट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स टेक प्लेस इन और नियर द डिप्लीशन रीजन ऑफ द डायोड। यानी कि जो जब बनाया गया था इस तरीके से बनाया गया था कि जो भी लाइट आ रही है वो डिप्लीशन लेयर पर ही गिरे, ताकि इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपके क्रिएट हों और इसी रीजन में आपका डिफ्यूजन प्रोसेस भी स्टार्ट हो। ठीक, बहुत बढ़िया। इससे क्या हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि देखिए आपने इस तरीके से लिया हुआ था, ये पी रीजन था, ये एन रीजन था, ये हमारा जंक्शन था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर आपके होल्स थे, ये होल्स
और ये थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडीशन थी। ठीक, मार्केट से खरीद के लाए, ये फोटो डायोड है। ठीक, हमने यहां से लाइट इस पे गिरा दी। जब हमने लाइट गिराई, डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, बढ़ गई। अब यहां पर क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, डिप्लीशन लेयर क्यों बड़ी होगी, क्योंकि पी को हमने नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से रिवर्स बायस में जोड़ रखा है, ये हमने पहले बताया था। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं, ठीक है ना, वो क्या हो रहे हैं, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं डिप्लीशन लेयर बढ़ जाने की वजह से, इससे पहले कि वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो सके। ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स रीच एन साइड एंड होल्स रीच पी साइड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से ली गई है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड में और होल्स पी साइड में क्या हुए हैं, पहुंच चुके हैं। यही तो था रिवर्स बायस, इस लाइन का यहां से लेकर के और यहां तक जो लिखा हुआ है इसका सीधा सा मतलब है रिवर्स बायस, क्योंकि ये नेगेटिव जोड़ा गया पी से और पॉजिटिव जोड़ा गया एन से। तो जो पी है यानी कि होल्स हैं, ठीक है ना, और यहां पर जो एन है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या हुए, सेपरेट हो गए। सेपरेट होने से जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ गई। अब बढ़ गई यहां पर, अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रीच एन साइड, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड में, यानी कि ये जो है वो एन की साइड है, तो इलेक्ट्रॉन एन की साइड में और जो होल्स हैं वो पी की साइड में पहुंच गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन एन साइड एंड होल्स आर कलेक्टेड टू पी साइड गिव्स राइज टू एन ईएमएफ, जिसकी वजह से एक नया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव ईएमएफ, एक ईएमएफ क्रिएट हो गया। ठीक है, फॉरवर्ड बायस की वजह से। तो अभी तक जो हमने समझा उसको एक बार फिर से फटाक से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने किया ये कि एक पीएन जंक्शन डायोड जो कि फोटो डायोड था वो लिया, यहां पर होल्स थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर होल्स थे। ठीक, हमने क्या किया, इस पर वो रेडिएशन डाला जिसकी एनर्जी यानी कि एच न्यू ये ग्रेटर थी, किससे ग्रेटर थी, W से। ये W किसका था, इस रीजन का था। यहां पर हमने जब जोड़ दिया P को N से और N को P से, तो ये जो होल्स थे वो P रीजन की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन N रीजन की तरफ आ गए, जिसकी वजह से एक EMF जनरेट हो गया P से N की तरफ। ठीक, इतनी बात हमने आपको अभी तक समझाई है एंड आई होप कि समझ में आई जरूर होगी। इसके आगे की कहानी अब हम समझते हैं। देखिए इसके आगे कहानी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जो आपको ईएमएफ मिला, जो ईएमएफ मिला, ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल से क्या मिले, करंट। तो जैसे जैसे आप ये जो रीजन था इसमें जो लाइट आप डाल रहे थे, इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इससे जो मिलने वाली करंट है आई वो भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट लाइट, ये इसका ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ कहाँ से आता है, ये प्रैक्टिकल का ग्राफ है, इस तरीके से ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये I1 इंटेंसिटी है, ये I2 है, ये I3, I4, सबसे ज्यादा जो करंट है, देखिए I4 पे ये करंट है, I2 पे ये करंट है, ठीक है, और I1 पे ये करंट है। तो सबसे ज्यादा ये वाली करंट है, सबसे कम ये करंट है। तो सबसे ज्यादा करंट मिल रही है I4 पर क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है, सबसे कम करंट मिल रही है I1 जो कि इंटेंसिटी I1 पे है, ठीक है, और ये
क्यों यूज किया जाता है या कहाँ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है फोटो डिटेक्टर्स में, यानी कि जो ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक, वंस अगेन, पूरा फोटोडायोड एक समरी में समझ लेते हैं। फोटोडायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम बनाते हैं इस तरीके से कि जहां पर उसकी डिप्लीशन लेयर हो वहीं पर एक हम ट्रांसपेरेंट विंडो लगा देते हैं जिससे लाइट फॉल्स हो। जब लाइट फॉल्स हो तो वो उतनी एनर्जी की लाइट फॉल्स हो जिसका जो एनर्जी गैप है डिप्लीशन लेयर का उससे ज्यादा इंटेंसिटी, उससे ज्यादा एनर्जी का जो है फोटोन उस पर गिरे। जब फोटोन गिरेगा तो उस रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल्स के नए नए पेयर जनरेट होंगे। ठीक है, अब जब यहाँ इस रीजन में यहाँ पर जो पेयर जनरेट होंगे तो इससे पहले कि वो पेयर आपस में कंबाइन हो, बल्कि हम रिवर्स बायस में जोड़ करके उनको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, वो आपस में कंबाइन ना होने पाए उससे पहले ही हमने उनको अलग कर लिया, तो जो होल्स हैं वो पी की तरफ और जो इलेक्ट्रॉन से वो एन की तरफ पूरे शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई पी से एन की तरफ और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया हमको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलने की वजह से हमें एक करंट मिल गई, तो ये जो करंट है वो हमें मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चीज हमारी यानी कि जो करंट है वो भी बढ़ती जाएगी। तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो।